ताकि इस सब्जेक्ट पर आ जाऊं मैं। ये था कि दो तरह के थिएटर थे, एक जो टॉमीज के लिए जहां पे पियानो बजा करता था, और एक हिंदुस्तानी थिएटर थे जहां पे तबला नवाज बैठे रहते थे, बेटी मास्टर कहा जाता था, बजाने वाले को ढोलक लगी रहती थी जिसमें फोक सॉन्ग भी सुनाए जाते थे। और वो सिर्फ वो अलर्ट नहीं था क्योंकि शोर रहता था हॉल के अंदर बहुत सारा, पांच सिगरेट वाले वो भी बेचने वाले भी चक्कर काटते रहते थे बीच में, और सोडा लेमन वो भी चलता रहता था। और वो पिट में बैठे हुए लोग कहीं ढोलक बजा रहे हैं, कहीं उसके डालू भी बोल रहा है, और कहां पे, और विलेन जब हीरो को मारता था तो बीच में से वो पिट में से आवाज आती, मार सली मार सली तेरा क्या माफ रहे, इस तरह की शोर है। और जैसे जैसे वो साउंड आई उसमें तो हॉल साइलेंट होने शुरू हो गया। अब नाउ दिस जर्नी इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय इटसेल्फ, और अपने आप को सिर्फ सिनेमा ही लग रहा था उसको लिटरेचर कहने की हिम्मत नहीं, ख्याल भी नहीं आया। लेकिन लिटरेचर से कहानियां उठा लेना और सब्जेक्ट बनाना, राजा हरिश्चंद्र वन ऑफ द अर्लीस्ट, और वो करते करते लगा कि वो जो अनपढ़ है, जो हमारे पिछले सेशन में भी बात हुई कि उसके लिए वो किताबें खुल गई नहीं, जो सिर्फ लिटरेसी के साथ जुड़े हुए थे, अब वो श्री रामचंद्र की कहानी भी समझने लग गए, और उसमें हनुमान की कहानी भी समझने लग गए, और बगैर पढ़े लिखे होने के तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अन सिनेमा स्टार्टेड कैचिंग इट्स ग्राउंड, और उसकी अपनी एक जमीन बत्ती को इंटरप्रेट करने लग गया, तो लिटरेचर का एक बड़ा बहुत बड़ा सोर्स बन गया लिटरेचर सुनाने का। लेकिन उसकी डिपेंडेंस जो लिटरेचर पर थी ये पिछले 100 साल में, अब उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल आप सब जानते हैं कि हाउ इट स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन लिटरेचर, एंड अच्छे लिटरेचर की उम्मीदें होने लग गई। लेकिन उसमें एक फर्क सिर्फ ये रहा कि ख्याल किसी और का, कहानी किसी और की, और सिनेमा में वो फिल्म बनाने वाला कोई और। तो कई जगह बड़ी अच्छी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन आई, उसकी एक्सप्लेनेशन आए, उसके ऊपर इजाफा हुआ, उसके ऊपर बढ़त हुई, उसके ऊपर नए नए जाविये, नए नए एंगल्स शामिल हुए। लेकिन चलते चलते सिनेमा उस जगह पर आया है अब जाकर जहां आप आज की बात तो कहो वहां पर पुरानी बात क्यों सुनाते हो, तो आज की कहानियां उठानी शुरू की, और कई जगह कहानी उठाए बगैर सीधी बात करनी शुरू कर दी। आई थिंक दैट इज सिनेमाज इंडिपेंडेंस। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, अब बालिग हो गया, बड़ा हो गया, उसकी कद बढ़ गया है। कद बढ़ने में जाहिर है कि मार्केट उसकी लिटरेचर से, किताबों से आगे बढ़ गई है, हालांकि उम्र उसकी बहुत कम है, उम्र 100 साल की और 2000 साल पुराना लिटरेचर हमारे पास है। लेकिन ये नौउम्र जो खड़ा हो रहा है, आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड, खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।